ओम शांति। आज 26 फरवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको पहला लेसन पक्का करा रहे हैं कि आप बच्चों को बार बार ये अभ्यास करना है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस देह को चला रही हूँ। ये बात भूल जाने से भूतों की प्रवेशता हो जाती है। सबसे बड़ा भूत है देह अभिमान का भूत, जिससे काम, क्रोध, अन्य विकार उत्पन्न होते हैं। बाबा कर याद दिलाते, बच्चे बाप को याद करो, ज्ञान योग की धूप जलाओ। ये वास धूप जलाने से भूत भाग जाएंगे। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है, सुबह सुबह उठकर बाबा को याद करो तो स्वतः ये भूत भाग जाएंगे। माया याद करने नहीं देती, लेकिन अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। कायदे सिर बैठना है, याद के द्वारा इतनी शक्ति प्राप्त करनी है ये भूत भाग जाएं। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। आत्मा जितना ज्ञान का सिमरण करती है उतना शक्तिशाली बन जाती है, सुख प्राप्त करती है। बाबा सुख दाता है, बच्चों को सुख देते हैं। क्रोध करना, गाली देना, ये आप बच्चों में नहीं होना चाहिए। सत्युग में कभी कोई क्रोध नहीं करते, किसी को गाली नहीं देते। नाम ही है स्वर्ग, हेविन, पैराडाइस। अब ऐसी दुनिया में जाना है तो उसके लिए एक बाप को याद करना है और इन भूतों को भगाते रहना है। बहुत मीठी राय बाबा ने दी कि आप शुभ चिंतन करो, शुभ चिंतक बनो, पर चिंतन से मुक्त हो जाओ, बेहद के वैरागी बनो, मैं मेरेपन से मुक्त हो जाओ। ये मेरापन आत्मा को मैला कर देता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। रोज अमृत वेले ज्ञान योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। क्वेश्चन है, कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है? मैं आत्मा हूँ ये बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते हैं। देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है, जिसके पीछे सब आ जाते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। देह अभिमान समाप्त करना है तो देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। गीता है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को इस गीत पर समझाते हैं। भगत भगवान से चाहते हैं भगवान आकर हमारी आँखों को अपना साक्षात्कार करा दे। अब तुम बच्चे तो सम्मुख बैठे हो, तुमने ईश्वर को पाया है, इन आँखों से देखा है। ईश्वर को कैसे पाना होता है वो खुद आके बताते हैं, अर्थात नॉलेज देते हैं। ईश्वर को कैसे पाना है, ईश्वर खुद आकर नॉलेज देते हैं, समझाते हैं इस तन द्वारा। तुम सब आत्माएं भी इस तन द्वारा अपना अपना पार्ट बजाती हो। बिगर शरीर तो पार्ट बजा ना सके, पार्ट आत्मा ही बजाती है शरीर द्वारा। शरीर के नाम भी भिन्न भिन्न रखे जाते, आत्मा तो एक ही है। आत्मा खुद कहती है, बाप भी समझाते हैं, 84 जन्म आत्मा लेती है। आत्मा कहती, हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, शरीर तो नहीं कहेगा ना। अब तुम बच्चे जान गए हो हम आत्मा हैं ना कि शरीर। बाबा आकर हमें आत्म अभिमानी बनाते हैं। इस शरीर द्वारा आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर के अंदर आत्मा कहती है, इस शरीर द्वारा मैं चलता फिरता हूँ, मैं आत्मा जज वकील आदि बनता हूँ। आत्मा कहती, हम इस शरीर द्वारा राजयोग सीखते हैं,
फिर जाकर राजा रानी के लिबास पहनेंगे। अब तुम्हें आत्म अभिमानी बनाया जाता, देहाभिमान में आना ये पहले नंबर की भूल है, जिससे फिर और भूले हो जाती हैं। इसको देहाभिमान का भूत कहा जाता। हर एक मनुष्य में 5 भूत तो हैं। भूतों को भगाने के लिए वासधूप किया जाता है। इन 5 विकारों रूपी भूतों के लिए वासधूप है ज्ञान और योग। ये कोई जल्दी नहीं भागते हैं, उनको बट्टी में डाला जाता, क्योंकि 5 विकार बड़े पुराने दुश्मन हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम्हारे में भूतों की प्रवेशता हुए आधा कल्प हुआ। जब से रावण राज चला है, बरोबर भारतवासी रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। एक बार इनका खात्मा हुआ, फिर रसम चली आती। इस समय तुमने इन 5 विकारों पर विजय पाई है। रावण मुर्दाबाद हो गया आधा कल्प के लिए। बच्चे कहते, बाबा ये कब जिंदाबाद होगा? बच्चे, फिर आधा कल्प के बाद जिंदाबाद होगा, अपना राज्य करेंगे। कहते, राम राज्य चाहिए। तो अब कौन सा राज्य है? रावण राज्य है। सत्युग में रावण राज्य ही नहीं होगा, वहाँ होगा राम राज्य। अच्छा, राम राज्य से पहले राजा रानी कौन थे ये भी कोई जानते नहीं। राम राम कहते हैं, राम को ऊपर ले गए, श्री कृष्ण को नीचे ले आए। सत्युग का जैसे उनको पता ही नहीं। तुम प्रदर्शनी में लिख दो, हर एक मनुष्य में 5 भूतों की प्रवेशता है, कम से कम 7 रोज बट्टी में रहें तब ये भूत सब भागे। 7 रोज बट्टी करे तो ये भूत भागे। उनको ज्ञान और योग का धूप चाहिए, उनके सिवाय कभी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं पा सकेंगे। इस ज्ञान योग का इंजेक्शन एक ही सर्जन के पास है। अब ये ज्ञान आत्मा को मिल रहा है, आत्मा समझती। बाबा हमें समझा रहे हैं, और कोई भाषा में ऐसा नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं। भगवान खुद भी निराकार तो बच्चे भी निराकार। निराकार इस साकार द्वारा साकारी बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। परंतु चलते चलते कई बच्चे भूल जाते हैं। भूलने का भी पहला कारण है देहाभिमान का भूत। उसको भगाने का अमृत वेले ही पुरुषार्थ करना है। अमृत वेले बाबा की याद अच्छी रहती है। चेक कर लेंगे, जब हम बैठते हैं तो हमारी याद कैसी होती है। अमृत वेले की याद बहुत अच्छी रहती। कहते, सिमर सिमर सुख पाओ, अमृत वेले का ही कायदा है। भगत लोग भी अमृत वेले ही सिमरण करते हैं। राम सिमर प्रभात मोरे मन, आत्मा बुद्धि को कहती है राम सिमरो। भक्ति मार्ग में ऐसे ही टोटके बनाते हैं, वह कोई रियलिटी में नहीं है। समझते नहीं कि काम भी भूत है। लिख सकते हो, सभी में 5 भूत हैं। पहला नंबर है देहाभिमान, सेकंड नंबर है काम महाशत्रु। आगे स्कूल में भी पढ़ाते थे, तुम आत्मा हो, शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। अब ये पढ़ाई आदि कुछ नहीं है। अब तुम बच्चों को पूरा परिचय दिया जाता। हम सब ने सेल्फ को रियलाइज किया कि हम आत्मा हैं, आत्मा ने ही शरीर धारण किया है। प्रेसिडेंट को जरूर प्रेसिडेंट कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर, दोनों की एक्ट अपनी अपनी है। वैसे परम पिता परमात्मा और फिर त्रिमूर्ति, उनकी भी एक्ट अपनी अपनी है। शिव को कहा जाता पतित पावन, वे ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन बनाते हैं, उनकी ये ड्यूटी है। अब बड़े से बड़ा है शिव। शिव बाबा कभी जन्म पुनर्जन्म में नहीं आते, बाकी ब्रह्मा, ब्रह्मा वाली आत्मा जन्म पुनर्जन्म में आती। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सर्विस करते। शिव बाबा एवर प्योर है, ब्रह्मा विष्णु पुनर्जन्म में आते हैं। शिव बाबा तो करण करावनहार है। इस समय बाबा मीठे झाड़ का कलम लगा रहे हैं, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए सब निकल आएंगे। तो ये इतनी समझानी नया कोई समझ ना सके। 7 रोज बट्टी में पढ़ने के सिवाय मुक्ति जीवन मुक्ति कोई पा नहीं सकते। तुमने भी भूतों को निकालने के लिए खूब मेहनत की है। कितनी मेहनत की है। बुद्धि जब पवित्र हो तब ज्ञान अमृत ठहर सके। तुम बच्चे समझ सकते हो, बरोबर बाबा की याद भूल जाती है,
बहुत देहाभिमान में आने से फिर मित्र संबंधियों की तरफ लव चला जाता, कोई को भी मोह का भूत ना आए। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, मोह की बात ही नहीं। बाबा को कितने बच्चे हैं, बाबा का जरा किसी में मोह नहीं। जानते आत्मा कभी मरती नहीं, मरने का भी डर रहता। आत्मा भी अविनाशी, परमात्मा भी अविनाशी, वह जन्म पुनर्जन्म में नहीं आता। बाबा कहते मैं शरीर का लोन लेता हूँ, मेरे रहने से इनको बहुत फायदा है, इनकी आयु बढ़ जाती है, गुलगुल हो जाता है, इनकी सब खामियाँ खत्म कर बिल्कुल नया बना देता हूँ। बाबा तो है ही सुखदाता, मेरे कारण ये योग सीखते हैं, तभी तो तंदुरुस्त बन जाते हैं। इसको गाली देना, गुस्सा करना, ये सब आसुरी स्वभाव है। सत्युग में गाली आदि होती ही नहीं, नाम ही है फर्स्ट क्लास हेविन, बैकुंठ, पैराडाइज। कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, इस हिसाब से बरोबर 5000 वर्ष ही हुआ। ये सत्य ज्ञान, सत्यनारायण की कथा कितनी सहज है। हम अभी नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुन रहे हैं, राजयोग की। फिर यहाँ की बात भक्ति मार्ग में चली जाती, वंडर है ना। भारतवासियों को पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे, इसलिए हम ये चित्र बनाते रहते ताकि मनुष्य समझ सकें। तुम बच्चों के सेंटर वृद्धि को पाते रहते, बहुत चाहते सेंटर खोलें। जांच करनी चाहिए कितने पढ़ने वाले हैं। अगर कोई कहता है इस एरिया में सेंटर खोलो, तो पहले देखा जाता है कितने पढ़ने वाले हैं। स्कूल में स्टूडेंट तो चाहिए ना, पहले 2-4 आएंगे, फिर जास्ती होते जाएंगे। गली गली में मंदिर टिकाने खुलते रहते हैं, फिर 1-2 को देख बहुत आ जाते हैं। सेंटर खोलने जैसा भी चाहिए, हर्जा नहीं खोलने में, हर्जा नहीं खोलने में, परंतु विघ्न बहुत पड़ते हैं विकार के कारण। हम तो सिर्फ गीता सुनाते हैं, परंतु शुरू से इस विष के कारण झगड़ा चलता रहता है। समझते हैं यहाँ जाने से विष का प्याला नहीं मिलेगा, इस पर मीरा का इतिहास भी है। ऐसे तो बहुत कन्याएं बालक ब्रह्मचारी रहते, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। ये तो कल्प पहले भी गाली खाई थी, ये तो होना ही है। कोई तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, फिर हार भी खा लेते हैं। कल्प कल्प की लॉटरी है, इसमें जांच की जाती कहाँ तक वर्षा लेते हैं, फिर कल्प कल्प लेते रहेंगे। कहाँ काम ना मिलने के कारण क्रोध में आकर हंगामा करते हैं, तकलीफ बहुत देते हैं, मारते भी हैं, फिर जब समझ जाते हैं तो माफ़ी भी लेते हैं। फिर भी अपकारी के ऊपर उपकार करना होता है। कहेंगे अच्छा फिर पुरुषार्थ करो, अपकारी पे उपकार करना ये बहुत अच्छी बात है, उपकार करके उठाना ये बहुत अच्छा है। रहम दिल बनना होता है, पहले पहले मेहनत है, कोई भूल रियलाइज़ कर ले तो उसको फिर बाबा कहते वैसा ही उपकार करना चाहिए उसके ऊपर, अपकारी के ऊपर उपकार करना होता। कहेंगे अच्छा फिर से पुरुषार्थ करो, अपकारी पे उपकार कर उठाना बेहतर है, रहम दिल बनना होता। पहले पहले मेहनत है आत्म अभिमानी बनने की, देहाभिमानी होने से बाप को भूल जाते हैं, फिर भूले होती रहेंगी। हर एक के चलन से पता पड़ जाता है, मुख से हमेशा रतन निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। आगे पत्थर निकालते थे, अब रतन निकलने चाहिए। तुम्हारा नाम है रूप बसंत, बाबा भी रूप बसंत है, ज्ञान सागर है, उनका रूप भी ज्योतिलिंगम दिखाया, परंतु है वो स्टार, पूजा के लिए बड़ा रूप रख दिया है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप ददा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप ददा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहले पहले आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, देह अभिमान में कभी नहीं आना, रहम दिल बन, अपकारी पे उपकार करना है। भूतों को भगाने के लिए अमृत वेले विशेष याद में रहने का पुरुषार्थ करना है, मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाने में बाबा का मददगार बनना है,
सत्युगी देवी झाड़ का कलम लग रहा है तो बाबा का मददगार बनना है। वरदान है बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भाव। बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भाव। समय की समीपता प्रमाण वर्तमान समय के वायुमंडल में बेहद का वैराग प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है। यथार्थ वैराग वृत्ति का अर्थ है, अंडरलाइन करेंगे, यथार्थ वैराग वृत्ति का अर्थ है सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा। जो न्यारा प्यारा है वह निमित्त और निर्माण है, उसमें मेरेपन का भान आ नहीं सकता। वर्तमान समय मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। कहेंगे ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे सब साधन भाग्य अनुसार मिले हैं, तो वैसे रॉयल रूप के मेरेपन को समाप्त करो। रॉयल रूप के मेरे मेरे को समाप्त करो। स्लोगन है पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो, शुभ चिंतक बनो। मातेश्वरी जी के महावाक्य, हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार। गीत चला मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। ये गीत किसी समय का गाया हुआ है क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार है। वो हमारा कौन सा परिवार है वह नंबरवार बताते हैं। हम परम पिता परमात्मा शिव के पोत्रे हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान हैं, विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं और हम आपस में सब भाई बहन ठहरे। यह छोटा सा संसार, इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं, इस समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। हमारे ग्रैंड पापा हैं शिव, इनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सर्वात्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उन्हें कहा जाता हर हर भोलानाथ, शिव देवों के देव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है, उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, उस द्वारा सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले पिता से सर्टिफिकेट ना मिला तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है, ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है मलेच्छ विकारी को, अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाना। शिव बाबा इनके माध्यम से ही हम सबको पवित्र बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजूरा सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कितना संबंध है, तो कितना बेफिकर खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे हम उसके पूर्ण रीति बन चुके, पूर्ण संबंध जुड़ा, पूर्ण उनके बन चुके या नहीं। आज चलते फिरते अभ्यास करेंगे मैं शुभ चिंतक मणि हूं, पर चिंतन से मुक्त रहना है। अनुभव करें मेरे पास शुभ चिंतन का बहुत बड़ा खजाना है, अथाह भंडार है, अपने लिए और सबके लिए शुभ सोचने वाली मैं शुभ चिंतक मणि हूं। मुझे सदा पर चिंतन से मुक्त रहना है, पर चिंतन पतन की जड़ है। अपने सत्य स्वरूप में टिके,
देह भान को भूल जाए। देह और देह की दुनिया से दूर मैं बाबा की पवित्र किरणों के नीचे हूं, जिससे पर चिंतन समाप्त हो गया, शुभ चिंतन का अथाह भंडार खुल गया। अपने मस्तक से दिव्य प्रकाश फैलता अनुभव करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।